بسم الله الرحمن الرحيم। रोजबा जब उस कमरे में दाखिल हुई तो फात के इशारे से नादिर शाह ने उसी अपनी बड़ी बहन अलाया के पहलू में बैठने के लिए कहा। रोजबा चुपचाप अलाया के साथ वाली नशीस पर हो बैठी थी। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर नादिर शाह ने रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, रोजबा तेरी हैसियत तेरी बड़ी बहन अलाया की तरह मेरे लिए एक बेटी कैसी है। बच्ची, हर लड़की ने जवान होकर शादी करनी होती है और अपना घर आबाद करना होता है। तुम्हारी आमद से पहले तुम्हारे बहनोई रजा कुली और बहन अलाया के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू तुम्हारे शादी से मुतलिक थी। बच्ची, एक शख्स तुम्हारे रिश्ते का तालिब है, अब तुमसे छुपाना क्या, ये सामने आजाद खान बैठा है, ये तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है, तुम्हें पसंद भी करता है। इसने आज मेरे पास हाजिर होकर तुमसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने तुम्हें पहले नहीं बुलाया, पहले रजा कुली और अलाया को बुलाया, इस मौजू पर इन दोनों मियाँ बीवी से बात की और ये तुम्हारा रिश्ता आजाद खान को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्ची, एक बात अपने जहन में रखना कि ये तुम्हारा जाती मामला है और इसमें रजा कुली और तुम्हारी बड़ी बहन अलाया का फैसला आखिरी नहीं होगा। अगर आखिरी फैसला होता तो मैं तुम्हें न बुलाता, लिहाजा तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि तुम्हें सूरत हाल से आगाह करके अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए। आजाद खान अफगान तुम्हें जानता है, तुम भी इसे जानती होगी। अब मैं मामला तुम पर छोड़ता हूँ, हाँ करो या ना, जो भी फैसला तुम करोगी वही आखिरी होगा। जो ही नादिर शाह खामोश हुआ, रोजबा एकदम बोल उठी, जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक है तो इसमें ना मेरे भाई रजा कुली और ना ही बहन अलाया को दखल अंदाजी करने का हक है। मैं बालिग हूँ, अपनी बेहतरी अपनी भलाई सोच सकती हूँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, लिहाजा आजाद खान के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। रोजबा के इन अल्फाज पर आजाद खान का चेहरा लटक गया था, वो उदास और अफसरदा हो गया था। रोजबा ने आते ही न उसकी तरफ देखा था न उसकी तरफ ध्यान दिया था, लिहाजा उसके तासरात का उसने कोई अंदाजा न लगाया था। यहाँ तक कहने के बाद रोजबा रुकी, फिर दोबारा नादिर कुली की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर मैंने अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए किसी को पसंद न किया होता तब भी मैं आजाद खान से शादी न करती। रोजबा का ये रूखा फीका जवाब सुनकर आजाद खान की हालत बिगड़ गई थी, लिहाजा वो वहाँ से उठकर चला गया था। उसके जाने के बाद कुछ देर तक तो कमरे में खामोशी रही, फिर नादिर शाह ने रोजबा की तरफ देखा और पूछ लिया, बच्ची क्या तू बताएगी कि अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तूने किसका चुनाव किया है। रोजबा ने जवाब में कुछ सोचा, फिर कहने लगी, अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, इसलिए कि अभी मैं उसकी तरफ झुकी हूँ, उसे पसंद करने लगी हूँ और उससे मैंने मोहब्बत की इब्तिदा की है। उसके मेरे मुतालिक क्या ख्यालात हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरे साथ बड़े मेहरबान बड़े हमदर्द हैं। उनका नाम मैं उस वक्त बताऊंगी जब मुझे ये यकीन होगा कि जिस तरह मैं उसे चाहती हूँ वो भी मुझे उसी तरह पसंद करता है। जिस रोज ऐसा हुआ उस रोज मैं ऐलानिया सबको बताऊंगी कि मैं फलां को पसंद करती हूँ, उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती हूँ, वो मेरी चाहतों का मरकज और महवर है। इस मौके पर नादिर शाह के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमोदार हुआ। दोबारा वो रोजबा को मुखातिब करके, बेटी अगर तूने किसी को अपना साथी बनाने के लिए उसका चुनाव कर लिया है और तू उसकी तरफ झुक भी चुकी है तो बच्ची जो तू फैसला करेगी वही आखिरी है। अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ जिस शख्स को तुमने अपने दिल में जगह दी है क्या उसका ताल्लुक इस्फहान या किसी और शहर से है। रोजबा ने धीमे से लहजे में जवाब दिया, उसका ताल्लुक इस्फहान ही से है। रोजबा के जवाब पर नादिर शाह ने पूछा, क्या वो इस्फहान के उमरा में से है या किसी अमीर तरीन शख्स का फर्जंद है। न वो इस्फहान के उमरा में से है न ही इस्फहान के किसी अमीर का फर्जंद है, रोजबा ने फिर पहले जैसे अंदाज में कह दिया था। क्या उसका ताल्लुक मेरे लश्कर से है, नादिर शाह ने फिर रोजबा को कुरेते हुए पूछ लिया था। जी हाँ उसका ताल्लुक यकीनन लश्कर से है, नादिर शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नामोदार हुई। एक और सवाल उसने दाग दिया, क्या वो मेरे सालारों में से एक है। जी हाँ यकीनन वो आपके सालारों में से एक है, लेकिन फिलहाल मैं उसका नाम नहीं कहूँगी। जवाब में नादिर शाह ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, बच्ची
मैं कुछ कुछ समझ गया हूँ, अब तू जाकर आराम कर। जवाब में रोजबा मुस्कुराती हुई उठी और उस कमरे से निकल गई थी। करीम खान उसी तरह अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक बार फिर रोजबा कमकारते हुए कमरे में दाखिल हुई, आगे बढ़कर उसी नशीस पर हो बैठी जहां से उठकर वो गई थी। इस मौके पर करीम खान ने एक गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली, फिर कहने लगा, मख्तरम नादर शाह ने तुम्हें बुलाया था, खैरियत तो थी? क्या कोई जरूरी काम या मसला दरपेश था? रोजबा ने जवाब में गर्दन झुका ली, फिर धीमे लहजे में कहने लगी, हाँ उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए कि वो मेरी हयात की मशल को बुझाने, रोशनी की सीमत को बेसीमत करना चाहते थे। रोजबा की इस गुफ्तगू से करीम खान परेशान हो गया था। तजस्सुस बड़े अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? झुकी हुई गर्दन इस मौके पर रोजबा ने सीधी की, एक गहरी निगाह अपने सामने बैठे हुए करीम खान पर डाली, फिर कहने लगी, लड़की जब जवान हो जाती है तो शमा के गिर्द मंडलाने वाले परवानों की तरह दिल पर मौत की दस्तक देते हैं, जागते मनाजर को रोती रातों में तब्दील करना चाहते हैं। बस यूं जानिए यही कुछ मेरे साथ करने के लिए मुझे बुलाया गया था। रोजबा के इन अल्फाज से करीम खान खौफ महसूस करने लगा था। कहने लगा, पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो, मैं तो समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो। रोजबा मुस्कुराई और कहने लगी, बस यूं जाने वो मुझे किसी के पले बांधकर मुझे अंधेरी गुमनाम वादियों, सिसकियां बढ़ती हवाओं के सपुर्द करना चाहते थे। करीम खान शायद अब मामले को समझ गया था, लिहाजा संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसका मतलब है नादर शाह तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता तय करना चाहता था और इसी मकसद के लिए तुम्हें बुलाया था। क्या वो तुम्हारी शादी अपने बेटे नसरुल्ला के साथ करना चाहता है? जवाब में रोजबा ने नफे में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगी, नहीं वो मुझे आपके साथी सालार आजाद खान अफगान के साथ ब्याहने के ख्वाहिशमंद थे और इस ख्वाहिश का इजहार आजाद खान ने ही किया था। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने इनकार कर दिया, मैंने क्या जवाब देना था? करीम खान ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा उससे पूछ लिया, नादिर शाह अगर तुम्हारी शादी अपने बेटे नसरुल्ला से करना चाहता तब भी मैं इनकार कर देती? रोजबा ने बगैर तवक्कुफ के फौरन कह दिया था, वो क्यों? क्या तुम शादी करना ही नहीं चाहती? देखो लड़की जब जवान होती है तो कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होना ही होती है, ऐसा ही मामला तुम्हारे साथ भी होगा। इस मौके पर एक गहरी निगाह रोजबा ने करीम खान पर डाली, फिर कहने लगी, मैं पहले ही किसी को पसंद करती हूँ, लिहाजा मैं उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी का साथी बनाना क्यों पसंद करूंगी? करीम खान, अगर किसी को मीठे के साथ खाने को कुछ मिल रहा हो तो उसे कड़वा पीने की क्या जरूरत है? जिसे तुम चाहती हो क्या वो इस काबिल है कि उसकी खातर तुम आजाद खान अफगान के अलावा नादिर शाह के बेटे नसरुल्ला को भी टुकरा दो? करीम खान के इस सवाल पर हल्का सा तबस्सुम रोजबा के चेहरे पर नमोदार हुआ था, फिर वो कहने लगी, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो वीरान हयात के गोशों में नई खुशियों की कहानी, बेएतनाई की रुतों में जफरानी मुस्कुराहट जैसा है, अपनी जात का साथी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी का हम सफर बनाने के लिए जिसका चुनाव मैंने किया है। करीम खान, वो तो खोलते पुराने अलमियों में बहारों पर आए गुलिस्तान और वक्त के धुंधलकों में आसूदगी और खुशगवारी का पैगाम है। यहाँ तक कहने के बाद रोजबा जब खामोश हुई तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में करीम खान कहने लगा, रोजबा तुम्हारे इरादे तो बड़े खतरनाक हैं, तुम तो उसकी हर चीज को बदल देने का अजम किए हुए हो, फिर ये तो बताओ जिसे तुमने पसंद किया है वो है कौन? जवाब में रोजबा भी मुस्कुराई, कहने लगी, अब ये नहीं बताऊंगी कि मैंने किसके सामने अपनी मोहब्बत की रिदा फैलाई है, किसकी जात पर अपनी चाहतों की ख्वाहिश को दराज किया है, अभी ये एक भेद एक राज ही रहेगा जो किसी पर खुल न सकेगा। कुछ देर खामोश रहकर करीम खान ने कुछ सोचा, इसके बाद उसने फिर रोजबा को मुखातब करके पूछ लिया, जिस जवान को तुमने पसंद किया है क्या वो यहीं इस्फिहान का रहने वाला है? जवाब में रोजबा ने पहले नफी में गर्दन हिलाई, फिर किसी कदर संजीदगी में कहने लगी, वो ना इस्फिहान का रहने वाला है और ना ही इन दिनों इस्फिहान में मौजूद है। इसके साथ ही रोजबा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और करीम खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके सवालात का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लिहाजा मैं जाती हूँ, इस मौजू पर बात फिर कभी करेंगे। इसके साथ ही रोजबा करीम खान के पास से उठकर चली गई थी।
नादिर शाह ने अब कंदहार पर हमला आवर होने का फैसला कर लिया। वो जानता था कि इससे पहले महमूद खान ने कंदहार से उठकर ईरान पर कब्जा कर लिया था और वो ईरान का शहंशाह बन गया था। उसे अंदेशा था कि कंदहार से फिर कोई उठकर ईरान पर हमला आवर होकर उसके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। इस बिना पर उसने इस्फहान से निकलकर कंदहार पर हमला आवर होने का फैसला किया था। जहां तक कंदहार की तारीख का ताल्लुक है तो इस्लामी तारीख में कंदहार का जिक्र सबसे पहले 545 हिजरी में मिलता है। इसके बाद के जमाने में कंदहार शहर तैमूर लंग के हाथों फतह हुआ। 15वीं सदी के अख्तिताम पर कंदहार सुल्तान हुसैन की सल्तनत का हिस्सा था। उस जमाने में कंदहार का नाम पहली बार सिक्कों पर मजरूब हुआ। सुल्तान हुसैन के अहद में अरगून सरदार जनून बेग ने कंदहार को अपना दारुल हुकूमत बनाया। चुनाचे उन्हीं दिनों ताशकंद का उज़्बक हुक्मरान शिबानी खान कंदहार पर हमला आवर हुआ, जिसके नतीजे में जनून बेग के मारे जाने के बाद उसका बेटा शाह बेग अरगून कंदहार का हुक्मरान हुआ। उस शाह बेग अरगून को आखिरकार जहीरुद्दीन बाबर ने हमला आवर होकर कंदहार से निकाल बाहर किया, लेकिन बाद में शाह बेग दोबारा कंदहार पर काबिज हो गया। 928 हिजरी में बाबर एक बार फिर आंधी और तूफान की तरह उठा, हमला आवर हुआ और कंदहार पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया और ये शहर मुस्तकिल तौर पर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा करार दे दिया गया। बाबर की वफात के बाद काबुल और कंदहार की हुकूमत बाबर के बेटे कामरान को मिली थी और वो कंदहार पर उस जमाने में भी काबिज रहा जब उसका भाई हुमायूं हिंदुस्तान से जिला वतन कर दिया गया और वो ईरान की तरफ हिजरत कर गया था। ईरान के सफी बादशाह कंदहार को हमेशा खुरासान का हिस्सा करार देते हुए उसे अपना शहर करार देते थे। चुनाचे हुमायूं की जिला वतनी खत्म होने के बाद हुमायूं ने ईरानी लश्कर की मदद से कंदहार का मुहासरा किया और उसे फतह करके ईरानियों के हवाले कर दिया, लेकिन बाद अजां कंदहार उनसे वापस ले लिया। अकबर के अहद के इब्तदाई अयाम में जब ईरान का हुक्मरान तहमासप था, तब तहमासप कंदहार पर हमला आवर हुआ और कंदहार शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उन दिनों तहमासप के मुकाबले में हिंदुस्तान का हुक्मरान अकबर था। अकबर ने कंदहार के खिलाफ लश्कर कशी की और ईरानियों से उसने कंदहार वापस ले लिया। अकबर के मरने के बाद ईरानी एक बार फिर हरकत में आए और जहांगीर के दौर में उन्होंने उससे कंदहार छीन लिया, लेकिन शाहजहां के अहद में शाहजहां भी हरकत में आया, जिसकी वजह से कंदहार पर दोबारा मुगलों का कब्जा हो गया। इसके बाद ईरान के नए शहंशाह शाह अब्बास ने अपने काम की इब्तिदा की, कंदहार को उसने फतह कर लिया। इसके बाद मुगल शहंशाह उसे दोबारा हासिल न कर सके। कंदहार एक तवील अरसा तक सफवी बादशाहों के जेर नगी रहा। बाद में गिलजियों ने बगावत करके ईरानियों को कंदहार से निकाल बाहर किया और ईरान पर हमला कर दिया। महमूद गिलजई जो ईरान का बादशाह बन बैठा था, उसका भाई कंदहार का हाकम हुआ। चुनांचे जिन दिनों नादिर शाह ने कंदहार पर हमला आवर होने का फैसला किया, उन दिनों महमूद गिलजई का भाई हुसैन ही हाकम कंदहार था। नादिर शाह के कंदहार पर हमला आवर होने की एक वजह थी। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि उसे कंदहार पर हमला आवर होने के लिए किसी ने अंगीकृत किया था और अंगीकृत करने वाला अफगानों का एक कबीला अब्दाली था। बेशुमार अब्दाली जंगजू नादिर शाह के लश्कर में शामिल हो गए थे और उसकी मुल्क गिरी और तौसीए मुमलिकत की हवस में जोश खरोश वफादारी के साथ नादिर शाह के साथ सरगर्म अमल रहे थे। रफ्ता रफ्ता नादिर शाह उन अब्दालियों से बेहद मुतासर हुआ, उनकी वफादारी की कदर करने लगा, उन्हें अपनी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी समझने लगा। चुनाचे जब नादिर शाह ने रूसी इलाकों में तुर्क ताश की तो अब्दालियों की वफादारियों और जोश अमल से बेहद मुतासर हुआ। ये तासुर ऐसा था कि एक मौके पर तो इतना बड़ा कि नादिर शाह ने बरसरे दरबार वादा किया कि अब्दाली जो मांगेंगे पाएंगे। चुनाचे अब्दाली सरदारों में से सबसे ज्यादा सरबर आवर्दा अल्लाह यार खान सदोजई था। उसने इस पेशकश से पूरा फायदा उठाया। बजाय कुछ और तलब करने के शहंशाह नादिर से ये इस्तेदा की कि उन्हें उनका वतन अफगानिस्तान वापस दे दिया जाए। उसका कहना था कि अफगानिस्तान जहां उन्होंने आंखें खोली थी और जहां की सरजमीन उनके लिए वजह जज्ब कशश है, उनके हवाले कर दी जाए। साथ ही साथ ये इस्तेदा भी की कि वो तमाम अब्दाली जिन्हें इससे पहले जिला वतन करके खुरासान के सूबे में भेज दिया गया था, इसके मजाज बनाए जाएं कि अब फिर अपने वतन आए और वहाँ जाकर आबाद हो जाए। नीज ये कि कंदहार गिलजई इक्तदार के जुए से आजाद कर दिया जाए और उन्हें वापस कर दिया जाए।
नादिर शाह ने अजरू रहम और खुश रवाना नरमी से अब्दालियों की एक गुजारिश मंजूर कर ली। चुनाचे उसने वादा किया कि वो कंदहार पर हमला आवर होगा और जैसे ही कंदहार में दाखिल होगा अब्दालियों के सारे मुतालबे मंजूर कर लिए जाएंगे। चुनाचे बख्तियारी कबीले को अपने सामने जेर करने के बाद नादिर शाह पहले अपने मरकजी शहर इस्फहान आया, अपने लश्कर को चंद रोज तक आराम करने का मौका फराहम किया। इसके बाद वो कंदहार की मुहिम पर निकला था। चुनाचे एक जरार लश्कर लेकर वो इस्फहान से निकला, किरमान और सीस्तान से होता हुआ आगे बढ़ा, फर्रा, दमलक और दिल आराम से होता हुआ ग्रेशक पहुंच गया। यहां अपने लश्कर के साथ खेमाजन हुआ, लश्करियों को सस्ताने का मौका फराहम किया। इसके बाद फिर उसने पेशकदमी शुरू की और कंदहार के मगरबी किनारों पर होते हुए उसने मजीद पेशकदमी शुरू की। उन इलाकों में कंदहार के गिलजे सरदारों में से यूनस खान और हैदर खान ने नादर शाह के लश्कर पर शब खून मारा और उस शब खून के नतीजे में नादर शाह का खासा नुकसान किया। चुनाचे जिस वक्त गिलजे नादर शाह के लश्कर से टकराए थे, इस मौके पर अब्दालियों का सरदार अब्दुल गनी खान हरकत में आया। वो आगे बढ़ा, जंग की इब्तिदा होते ही उसने एक लम्हा का भी तवक्कुफ न किया और मैदान में उतर आया। उसने दफतन यूनस खान पर एक महलक वार किया। जब तक हैदर खान उसकी कमक को पहुंचता, उसका काम तमाम हो चुका था। इस हादसे ने गिलजियों को हवास बाख्ता और सरासीमा कर दिया था। अब्दाली सरदार अब्दुल गनी का ये कारनामा नादिर शाह की नजरों में बेहद काबिल एहतराम साबित हुआ और उन्हें मुर्ज़े लुत्फ़ करम करार देता रहता था, लेकिन अब्दुल गनी की इस जवां मर्दी और वफादारी ने उसकी नजरों में अब्दालियों की वक़्त और इज्जत दो चंद कर दी थी। कंदहार का हाकम उन दिनों ईरान के साबिक शहंशाह महमूद खान का भाई हुसैन खान था। चुनाचे नादिर शाह जब अपने लश्कर के साथ कंदहार के नवाह में पहुंचा तो गिलजियों का एक बहुत बड़ा लश्कर पहले ही पड़ाव किए हुए था। वो जंग के लिए तैयार भी लगता था, लिहाजा उसके सामने जाकर नादिर शाह ने भी अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद दोनों लश्करियों के दरमियान जंग की होलनाक इब्तिदा हुई। इब्तिदा कंदहार के गिलजे हुक्मरान हुसैन ने की थी। वो अपने लश्कर को हरकत में लाया और नादिर शाह के लश्कर पर हमला आवर हो गया था। गिलजियों के साथ साथ नादिर शाह ने भी अपने काम की इब्तिदा की और वो भी अपने लश्कर को हरकत में लाया और दुश्मन पर टूट पड़ा था। नादिर शाह के इस तरह हमला आवर होने से हर दौराहे हर कदम पर ठोकर और जिंदगी के लम्हात मिटने लगे थे। गिलजियों का ख्याल था कि वो जल्द ही हमला आवर नादिर शाह को अपने सामने से मार भगाएंगे, लेकिन उनकी ये सारी खुशियां उस वक़्त दूर हो गईं जब नादिर शाह ने अपने लश्कर का दबाव बढ़ाते हुए एक तरह से गिलजियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। कंदहार के गिलजी हुक्मरान हुसैन ने जब देखा कि नादिर शाह अपने सालारों के साथ उसके लश्कर पर दबाव लगातार बढ़ा रहा है और ये कि उसके लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गई है, चुनाचे उसने अपने लश्कर को मैदान जंग से हटकर शहर में दाखिल होने का हुक्म दे दिया था। ये इशारा मिलते ही गिलजियों का लश्कर पलटा और कंदहार शहर में मैसूर हो गया था। कंदहार के गिलजी हुक्मरानों के खिलाफ इस जंग में अब्दालियों के जोश में और इजाफा हो गया था। कंदहार शहर से बाहर लड़ी जाने वाली इस जंग में अब्दालियों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि कारहाए नुमायां भी अंजाम दिए। अब्दाली जंगजू इस लड़ाई में अपने सरदार अब्दुल गनी की सरकर्दगी में नादिर शाह के लश्कर में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। गिलजियों के साथ टकराव के दौरान न सिर्फ अब्दालियों ने बल्कि उनके सालार अब्दुल गनी ने भी बड़ी जान निसारी, हिम्मत और जवां मर्दी से नादिर शाह का साथ दिया था और अब्दालियों के सरदार अब्दुल गनी के हमलों ने ही ज्यादातर गिलजियों को हवास बाख्ता और सरासीमा करके रख दिया था। कंदहार के नवाह में गिलजियों को शिकस्त देने के बाद नादिर शाह आगे बढ़ा। गिलजियों का बचा कुचा लश्कर कंदहार में मैसूर हो गया था। चुनाचे नादिर शाह ने आगे बढ़कर कंदहार शहर का मुहासरा कर लिया। कंदहार शहर का मुहासरा अप्रैल 1737 के पहले हफ्ते में शुरू हुआ और 13 मार्च 1738 तक जारी रहा, मगर एक रात नादिर शाह के लश्करियों ने शहर के बुर्जों में से एक बुर्ज पर कब्जा किया और वहीं से उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। इस पेशकदमी के नतीजे में जो फसील के अंदर जंग शुरू हुई, ये जंग आखिरकार होलनाकी अख्तियार कर गई और फसील के ऊपर से जंग के शोले शहर के अंदर भी फैल गए। कंदहार का हुक्मरान उन दिनों मीर हुसैन था। उसने जब देखा कि कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं और सब कुछ खोया जा चुका है, तो उसने अफगानी रस्म क़िनवात के मुताबिक अपनी बड़ी बहन जैनब को गिलजी सरदारों की जमात के साथ नादिर शाह के पास हसूल पनाह के लिए भेजा।
नादिर शाह ने इस रस्म का एहतराम रवा रखा और कंधार के हुक्मरान हुसैन और उसके खानदान और उसके साथियों की जान बख्शी कर दी और सबको जंगी कैदी की हैसियत से माजिंदान की तरफ रवाना कर दिया था।